फिर ये मैंने साबुदाना डाल लिया है इसमें, इतना एक कटोरी साबुदाना है, थोड़ा सा ये प्याज। मैं इसकी टिक्की बनाने वाली हूँ तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी। तो ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी तो ये हरी मिर्च थोड़ी सी कम कर देती हूँ इसमें मैं। तो हरी मिर्च मैंने इसमें एक लगभग डाल दी है। अब इसमें मैं दो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, दो से तीन जितना लगेगा इसमें उतने डाल दूँगी मैं। तो ये देखिएगा अब इसमें डालना है नमक। तो ये बहुत आसान है इसकी टिक्की बनाना, बहुत अच्छी भी लगती है खाने में, आप व्रत में भी बना सकते हो ऐसे, आज काफ़ी बढ़िया लगता है खाने में। तो ये देखिएगा ये नमक डालिएगा अपने स्वाद अनुसार, और इसके साथ हरी चटनी बनाइएगा या सॉस के साथ आप खा सकते हो। तो ये चीज़ें व्रत में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बनकर तैयार है मसाला एकदम से टिक्की वाला, जैसे अब किसी छोटी छोटी टिक्की बना लेनी है तवे पे इसको सेकनी है। तो अभी मैं इसको ऐसे रख रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैं आके फिर बाद में बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, तो ऐसे आपको टिक्की बना लेनी है, इसमें धनिया भी डाल सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छे नाश्ते में किसी के साथ भी दे सकते हो। और इधर ये मैंने तेल रखा है कढ़ाई में, तो ये देखिएगा और इसको इस तरीके से आपको जैसे नॉर्मल आलू की टिक्की बनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन ये अलग अलग लगती है एकदम से। तो ये काफ़ी स्वाद लगती है खाने में, व्रत में भी बना सकते हो आप, किसी के साथ इसको कोई आता है उसको भी खिला सकते हो, काफ़ी अच्छी है। तो अभी इसको मैं सेकने दूँगी, पलट के आपको सेक लेना है अच्छे से हल्की गैस पर, जिससे ये अंदर तक पक जाए साबुदाना जो हमने डाला था इसके अंदर। तो चलिए अभी मैं आपको सेक के दिखा, ये देखिए ये टिक्की बन के तैयार हो गई एकदम, तो काफ़ी अच्छी बनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बढ़िया, तो आप लोग देख सकते हो। तो आप चटनी के साथ खाइए, किसी नाश्ते में भी दे सकते हो किसी को भी, तो काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्टी एकदम स्वाद। तो चलिए हम भी खाते हैं गरम गरम, तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, बनाइए खिलाइए।